होते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें कि आराम कर, ऊर्जा को, ऊर्जा का क्या करते हैं हम, संरक्षण करते हैं। अगर बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होगी तो ही हमें क्या होती है, हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और ना ही वो रोग को ठीक करते हैं। इसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को क्या है, मारना पड़ेगा। जब वो सूक्ष्म जीव मरेंगे तब क्या होंगे, हम बिल्कुल ठीक होंगे। हम सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। क्या होता है कि दवाइयों का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ होते हैं। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक एवं जैव प्रक्रियाएं होंगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी एवं अन्य वर्गों में नहीं होंगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती हैं। ये क्या हो सकती हैं, विभिन्न चरण। कैसे कर सकते हैं, इसकी दो विधियां हैं, एक सामान्य और एक दूसरी क्या है,
बचाव कर सकते हैं। जब सूक्ष्म जीवों से हम बचाव करेंगे तो क्या होगा, यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं और उन तो हमें बड़ी सुगमता होगी। वायु द्वारा फैलने वाले रोग जैसे सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हम खुले स्थानों में रहें, भीड़ भरे स्थानों पर क्या हो न जाएं, और जल का जहाँ फैलाव हो रहा है वहाँ क्या होती है, सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिए, और पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए क्या कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें एक साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। जब साफ पर्यावरण में रहेंगे तो सूक्ष्म जीव भी नहीं होंगे और हमें बीमारी भी नहीं होगी। ऐसे वातावरण में मच्छर भी उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्वच्छता होती है, अर्थात साफ सफाई से हम रहें। जब हम साफ सफाई से रहते हैं क्या होगा, ना तो हमें बीमारी होगी और सूक्ष्म जीव भी हमारे आसपास में उत्पन्न नहीं होंगे। पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने और अन्य सामान्य नियम है क्या होते हैं, इसके अन्य कुछ नियम जैसे साफ सफाई से रहना, साफ जल पीना, साफ सफाई के साथ में भोजन बनाना और भोजन का ग्रहण करना, खाना खाने से पहले हाथों को धोना, ये क्या हो रहे हैं हमारे साफ सफाई है। जब हमारी ये साफ सफाई हो रही है तो इससे क्या होगा, हमारी बीमारियाँ नहीं होंगी। अर्थात कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे थोड़ा दूरी बना कर रहें, उससे जब वो श्वास छोड़ता है तो उसका श्वास ग्रहण ना करें, अगर ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो संक्रमण हमारे श्वास की सहायता से संक्रमण हमारे शरीर में फैल जाता है और क्या होता है, हम बीमार